जो किसी भी धर्म के बारे में अनुचित बात करते हैं, दिल दुखाने वाली बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी उनका समर्थन नहीं करती। हमारा तो मानना है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए, यही तो हम लागू करना चाहते हैं देश में। कांग्रेस पार्टी इसीलिए तो संघर्ष कर रही है, कोई किसी के धर्म को बुरा ना कहे, कोई किसी व्यक्ति को परेशान ना करे, कोई किसी के अधिकारों का हनन ना करे, समानता हो, समाजवाद हो, यही तो कांग्रेस चाहती है। हमारे बाबा साहब ने और इस संविधान को बनाया जिससे आज दलित को बैठा हुआ है, आज जो ये पिछड़ी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, आज जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, आज इस संविधान के खातिर हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो ये जो देश को तोड़ने वाले बैठे हैं अब तक पता नहीं क्या कर डालते, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत डर इनको संविधान का है, जिसको बदलने के लिए, जिसको मिटाने के लिए इन्होंने सारे षड्यंत्र कर लिए हैं। अगर 2024 में हम लोग नहीं जागे तो शायद इस संविधान को मिटा देंगे, फिर हम अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे, फिर हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे। आज संविधान को बचाना होगा, अगर हमने अगर संविधान को बचा लिया तो यकीन मानिए मेरा देश बच जाएगा, नहीं तो फिर 1947 से पहले जैसे हम गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों को गुलाम हुआ करते थे, आज हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। गुलामी की जंजीरों में हम फिर से ना जकड़ने पाए, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। इससे बड़ी बाबा साहब को श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। आज के दिन हम ये प्रण लेंगे कि जो संविधान मिटाने वाले हैं, जो संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, हम उनको 2024 में जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि गठबंधन से जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार हो या हमारे सहयोगी पार्टी का, जो भी लड़ने के लिए आएगा, कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से उसको चुनाव लड़ाकर जिताने का काम करें। कहीं कोई मतभेद नहीं है, पूरा देश के सभी सेकुलर दल उस गठबंधन के नेतृत्व में एक है। कहीं कोई ये दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है, कहीं कोई वो नहीं है, सब एक हैं और सब पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ गठबंधन की मजबूती के लिए काम कर रहा है। मेरा अधिकार क्षेत्र एक जनपद भर में है, ये कोई जिला पंचायत का चुनाव नहीं कि मैं फैसला कर लूँ, ये सब फैसले हाई कमान को करने, जिसमें हम लोगों का कोई दखल नहीं।